कि कब के कहाँ मांग ले कौन पता रहा। तो हमारे ज्यादा उपस्थिति ऐसा बोरा भरा पूरा लगवाए। सुना था कि मीडिया वगैरह के लिए कुछ कुछ ब्रीफ करेंगे, इस पर कोई प्रतिक्रिया न लीजिए। इस पर यह है बस कि जो भी जांच हो रही है उसमें विभाग के यानी हम कार्यालय की तरफ से पूरा सहयोग किया जाएगा। नहीं, जो फर्जीवाड़े का मामला चल रहा है और आपके यहाँ FIR दर्ज नहीं हो रहा है, इसमें FIR दर्ज करने तो आदेश निर्गत किए गए हैं समस्त जहाँ जहाँ खंड शिक्षा अधिकारियों का था वहाँ निर्गत कर दिया गया है। नहीं, निर्गत तो काफी दिनों से कर दिया गया, अभी तक FIR नहीं हुआ, एक साल बीत गया। चूंकि प्रभार तो जान रहे हैं अभी मुझे वो भी पूर्ण प्रभार नहीं प्राप्त है, सामान्य प्रभार काम चलाओ के लिए है। तो अगर ऐसा कुछ है या मुझे पूर्ण प्रभार प्राप्त होता है अगर, तो मैं तत्काल प्राप्त। एक वर्षों से 153 शिक्षक बर्खास्त हुए, FIR दर्ज नहीं हुआ, इसमें कहीं ना कहीं तो कुछ ये तो विभागीय शिथिलता तो है ही है, कहीं ना कहीं तो है, वो तो है। जिला कैसे शिक्षा अधिकारी महोदय जो थे उनसे इस संबंध में कुछ किया जा सकता है अभी मुझे। तो उसी पे थोड़ा सा ये नौबत कहाँ आई? नहीं, इसमें हमारे जनपद में अरे वो ये संज्ञान में कोर्ट भी ऐसे था, विभिन्न स्रोतों संज्ञान में आया था कि कुछ फर्जी अध्यापक हैं जिनके संबंध में जांच कराई गई थी, उनकी बर्खास्तगी की गई थी। संबंधित खंड शिक्षा अधिकारियों को उनके विरुद्ध FIR का दर्ज कराने तथा लेखाधिकारी को उनके देयकों के संबंध में आगरण करके उनके रिकवरी के संबंध में पत्रावली तैयार करने के निर्देश पहले से दिए गए थे, परंतु उस पर अभी संज्ञान में आया है कि उनके विरुद्ध अभी तक FIR दर्ज नहीं है। चूँकि वर्तमान PSA साहब 12 तारीख से अवकाश पर हैं, अस्वस्थ हैं इस समय, और सामान्य कार्य के और पत्राचार वगैरह के लिए मुझे जो है रखा गया है जिससे विद्यालय शैक्षणिक कार्य कोई प्रभावित ना हो पाए। तो ऐसी दशा में उन तथ्यों पर निर्णय मेरे स्तर से लेना नहीं हो पा रहा है, और जो टीम आई है उनका उनको पूरा सहयोग हमारे कार्यालय द्वारा किया जा रहा है। जो भी अवलेख उनके द्वारा मांगे जाएंगे वो सब मुझे मेरे द्वारा और जो हमारे कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए जाएंगे। बर्खास्तगी के लगभग एक साल पूरे होने वाले हैं और अभी तक FIR दर्ज नहीं हुआ, जी जी, इसके पीछे आप क्या मानते हैं? मानते कहीं ना कहीं तो चूक है। अब यह है कि जो हमारे PSA साहब आ जाएँ अवकाश के बाद से, तो उनसे बात तक की जा सकती है कि वो इस मामले में अपना कुछ बताएंगे स्थिति। BSA का कहना है कि सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को अवगत करा दिया गया था FIR के बारे में, और गैसरी के आप प्रभारी हैं, आपके यहाँ भी शिक्षक थे? हमारे यहाँ FIR कराने के संबंध में कोई इस तरह का कुछ तीन शिक्षक थे। क्या इस पे FIR आप दर्ज करवाए हैं? नहीं, इनके लिए बना करके पत्र संबंधित कोतवाली और उसमें भेजा गया था, और अभी तक उनके अभिलेख चूँकि यहाँ कार्यालय में है हमारे BSA कार्यालय में, तो उनके द्वारा कहा गया था कि कार्यालय से अभिलेख उपलब्ध हो जाए, इसके बाद वहीं नगर क्षेत्र में या जहाँ भी इनके अभिलेख हैं वहाँ पंजीकृत करा दिए जाएँ। देखिए, ये मामला ऐसा है कि एक अभियोग पिछले महीने कोतवाली नगर में पंजीकृत हुआ था, एक फर्जी शिक्षक के संबंध में जो किसी अन्य व्यक्ति के प्रमाण पत्र पर काम कर रहा था, भर्ती हुआ था, उसकी विवेचना भी चल रही थी, और उसी विवेचना के क्रम में STF गोरखपुर शाखा जो है वह भी सहयोग में थी। उस अभियोग का मुलजिम जो संजय मनोज है, ये जनपद महाराजगंज का रहने वाला है, वो उसको पकड़ा गया, और BSA कार्यालय से भी कुछ और जानकारियां मिलने के पश्चात तीन और ऐसे प्रकरण सामने आए जिसमें गलत प्रमाण पत्र और दूसरे व्यक्ति के प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट के आधार पर नौकरी कर रहे थे, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है, और इस संबंध में STF के निरीक्षक द्वारा आज कोतवाली नगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है। इस प्रकार दो मुकदमे में कुल चार व्यक्तियों की गिरफ्तारी हुई है। अभी इसमें और छानबीन हो रही है गहराई से, हम उम्मीद करते हैं कि कुछ तथ्य और भी प्रकार